रिलेशनशिप पर ज्ञान दे रहे ट्रोलर्स को हिमांशी खुराना ने दिया ये जवाब। बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट असम रियाज और हिमांशी खुराना पिछले काफी वक्त से अपने रिलेशनशिप को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। हिमांशी पिछले दिनों उनके कनेक्शन बनकर घर के अंदर पहुंची थी और इस बार असीम ने एक मिनट भी खराब नहीं किया। पूरा वक्त उन्होंने हिमांशी के प्रति अपने इमोशंस जाहिर करते हुए बिताया और लगे हाथ अपने स्पेशल वन को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। घर में हिमांशी को विदा करने से पहले असीम ने उनसे कहा कि अब वो घर के बाहर आकर उनसे मिलेंगे और बाकी चीजें भी साफ करेंगे। वैसे असीम पर घर के बाहर पहले ही रिलेशनशिप में होने और पहले रिश्ते रखने की बात सामने आई है। इनमें से कुछ आरोप तो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने ही असीम रियाज पर लगाए थे। बता दें कि असीम और हिमांशी के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही है और हिमांशी के बाहर आने के बाद ट्रोल्स लगातार उन्हें टैग करके रिलेशनशिप की सलाह दे रहे हैं। अब हिमांशी इस बात पर भड़क चुकी हैं और उन्होंने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। हिमांशी ने लिखा, मैं फैंस की सारी नफरत लेने के लिए तैयार हूँ। पेड पीआर, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट, सेलिब्रिटीज, वो सब जो मुझे रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हिमांशी खुराना का ये ट्वीट। हिमांशी ने लिखा, जब उनके खुद के रिश्ते की बात आती है तो कहेंगे कि ये हमारी जिंदगी है। उनको इस ट्वीट पर मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं, लेकिन ढेरों फैंस हैं जिनका मानना है कि दोनों को साथ में रहना चाहिए। गौरतलब है कि हिमांशी हाल ही में जब कनेक्शन बनकर बिग बॉस हाउस में गई थी तो वो ज्यादातर वक्त सलमान खान के निशाने पर रही। बाद में ऐसा सामने आया कि असीम रियाज को भी इस बात का बुरा लगा है। वैसे आपको बता दें, हिमांशी ने असीम रियाज के रिश्ते को फिल्मी बता दिया था। इसके अलावा घर से निकलते ही हिमांशी ने असीम रियाज के भाई उमर को भी अनफॉलो कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही नहीं।